वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज आप लोगों का भाई जा रहा है बाहर ब्लॉग बनाने। आज का ब्लॉग होगा मेरा बाहर, ये ब्लॉग होगा माधोपुर में। वहां पर मैं परी वाला पार्क दिखाऊंगा, वहां का व्यू कैप्चर करूंगा। प्लीज़ इस ब्लॉग को एंड तक जरूर देखना। गाइस आगे हम मतलब, और फ्रेंड्स देखो कितना अच्छा है नेचुरल एरिया। जो गाइस कितना पानी है यार, डर लग रहा है कहाँ से देखो। और गाइस इस टाइम मैं माधोपुर में हूँ, जहाँ पर मैं अपना ब्लॉग शूट करूँगा। चलो शुरू करते हैं इस काम को। और गाइस देखो मेरे पीछे का व्यू, फेमस है माधोपुर में कोरल। और गाइस मेरे पीछे है कोरल रिवर रिसोर्ट। चलो आगे का मैं व्यू दिखाता हूँ। और गाइस मेरे पीछे देख रहे हैं परियां वाला बाग। आप देख सकते हैं क्या हालत हो गई है, सभी वृक्षों को काट दिया गया क्योंकि इसके पीछे प्रोजेक्ट बनाना है। और गाइस ये परियां वाला बाग ब्रिटिश टाइम से है। टेम्पो वाले भाई जी से बात करते हैं, वो कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से कहाँ तक टेम्पो चलाते हैं। मैं मालूम करता रहने वाला हूँ, तो काम करने वाला हूँ। ये भाई साहब परियों में पार में आए थे बनाने को, ये अच्छी मेरे से उनकी बात हो गई है। ये कह रहे हैं कि बोलते हैं कोई बात करो ना, टीचर हम कर देते हैं कोई बात, हमें बात करते हैं क्या देते हैं। ठीक है, ओके बाय बाय। ओके थैंक यू अंकल जी। और एसी वाली गाड़ी में बैठा हूँ, अभी हम जाएंगे घर। और आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा है फिर लाइक कर देना, कमेंट करना और इस ब्लॉग को शेयर ज़रूर करना। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि एक्चुअली मैं आया था मैं परियां वाला बाग को देखने और आप लोगों को दिखाने, लेकिन वहाँ कुछ नहीं बचा क्योंकि वहाँ पर बिजली का प्रोजेक्ट लगना और बिजली तैयार होनी थी, इसलिए पेड़ों को काट दिया गया। मेरी उन लोगों से यही रिक्वेस्ट है, कहीं कहीं भी जगह बची हो वहीं पर पेड़ लगाएं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर और मुझे दो इजाज़त, बाय।